हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हम आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एक लॉगिन सिस्टम और एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे पीएचपी का यूज करते हुए। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम आज ही देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, ये मिनी प्रोजेक्ट, वो किस तरह का दिखेगा और किस तरह से वर्क करेगा और उसमें क्या क्या फीचर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, उसमें सबसे पहले हम यूजर का रजिस्ट्रेशन कराएंगे विथ वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब ये है कि जब यूजर रजिस्टर करेगा तो जो यूजर ने पासवर्ड डाला उसकी लेंथ कितनी है, उसने सारी जो इन्फॉर्मेशन वो फिलअप करी है या नहीं, हम ये सब चेक करेंगे और उसके बाद ही हम यूजर को रजिस्टर होने देंगे। देन उसके बाद यूजर लॉग इन किस तरह करेगा उसको वो बनाएंगे हम, और विथ सेशन बनाएंगे। सेशन से ये हो पाएगा कि हम एक यूनिक यूजर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अभी कौन सा यूजर लॉग इन है, तो इसका थ्रू हम यूजर की पहचान कर पाएंगे। देन इसके बाद हम लॉगआउट सिस्टम बनाएंगे, यूजर लॉगआउट कर सके। तो हम इन सभी फीचर्स को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। तो हम इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक साइनअप फॉर्म है। देन यहाँ पर एक बटन है जिस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हम लॉग इन पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी है लॉग इन, तो मैं आपको बता देता हूँ। gmail.com में पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ मैं 3, 4, 5 ये मैंने लॉगिन किया। तो रोमी को तरिया में हम एक बार चेक कर लेते हैं कि फिर हम इधर क्यों बताया। तो हमारा रजिस्टर तो है, एक बार हम करके देखते हैं कि ये लॉगिन किया। तो देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं और जो हमने ईमेल एंटर करी थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, जिससे यूजर की पहचान हो रही है कि अभी कौन सा यूजर लॉगिन है। तो ये होता है सेशन का यूज। देन इसके बाद हम अगर लॉगआउट करते हैं तो आप देखिए हम लॉगआउट हो चुके हैं और यहाँ चुके अगर हम बैक जाते हैं तो ये हमें बैक नहीं जाने दे रहा है क्योंकि हमने लॉगआउट कर दिया है। इसी के साथ हमने साइनअप सिस्टम बनाया। तो अब हम साइनअप करके देखते हैं। यहाँ से हम साइन अप करते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है प्लीज फिल ऑल फील्ड। हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो मैं कर देता हूँ इंजीनियर्स वर्ल्ड के लिए EW लिख देते हैं हम, e@gmail.com। देन इसके बाद हम पासवर्ड दे देते हैं। हम पासवर्ड 3 कैरेक्टर का देते हैं और यहाँ पर भी 1, 2, 3 हम पासवर्ड देते हैं। और हम अगर करके देखते हैं साइनअप तो उसने कह दिया है कि पासवर्ड लेन मस्ट बी 6 कैरेक्टर। तो हम यहाँ पर वापस से वही करते हैं EW@gmail.com देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों कैरेक्टर सेम होने चाहिए, अदरवाइज ये एंटर नहीं होने देगा, पासवर्ड भी सेम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर साइन अप किया तो हमें लॉगिन पेज पर लेके आ चुका है। और हम डेटाबेस का एंट्री देखते हैं तो ये देखिए हमारा डेटा आ चुका है। तो हम इसका यूज करके भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम डालेंगे तो हम लॉगिन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक मिनी लॉगिन और साइनअप सिस्टम। तो हम हमारे आने वाले वीडियोस में इसी तरह का एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, जिससे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको किस तरह से बनाना है इसकी पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा मेरी वेबसाइट भी है engineersworld.in, जहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्टों के वीडियो ट्यूटोरियल और नोट्स हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। तो आप उस वेबसाइट पर भी जरूर विजिट करें। आपको उस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।